बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी 56 टिंडे की रेसिपी या छपनी टिंडा, जो कि कुछ इस तरह से होता है। एक तो देसी टिंडा होता है, उसका सीज़न फिर जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं ख़त्म हो जाता है, और फिर उसके बाद ये 56 टिंडा पाकिस्तान में आना शुरू हो जाता है। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपको बताऊंगी, और ये मेरे ख्याल से हर जगह अवेलेबल होगा। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल जो भी टिंडा आपके यहाँ मिलता है उसकी भुजिया भी इस रेसिपी के थ्रू बना सकते हैं, इस मेथड के थ्रू बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। 56 टिंडा है मेरे पास, 5 से 6 अदद थे, इस तरह से मैंने टुकड़ों में कट कर लिए हैं। 2 अदद आलू थे जिन्हें मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिए। ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो आलू शामिल करें, आप चाहें तो ना करें। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने इस तरह से लच्छे की शक्ल में काट लिया है। 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। कुछ हरी मिर्चें हैं, ये ज़्यादा लग रही हैं लेकिन ये फीकी वाली नहीं है, छोटी वाली हैं लेकिन बिल्कुल भी फीकी नहीं है, तो ये मैंने ले ली हैं 7 से 8 अदद। आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। थोड़ा सा धनिया है जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा है। मसाले कुछ इस तरह से ही, हमारे यहाँ थोड़ा तीखा खाया जाता है और भुजिया में थोड़ा सा अगर आप चटपटा बनाएं तो टेस्ट देता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये ली है मैंने। 1 चाय का चम्मच देगी लाल मिर्च है, देगी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए होती है, फीकी नहीं होती है। 1/2 चाय का चम्मच हल्दी है और 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया है। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1/4 कप ऑयल गरम करें, जब ऑयल गरम हो जाए तो ज़ीरा शामिल करें। ज़ीरा जब थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तो आप इसमें कटे हुए आलू शामिल करके 1 से 1.5 मिनट के लिए आलूओं को फ्राई कर लें, ताकि आलूओं का कच्चापन दूर हो जाए। एक से 1.5 मिनट आलू फ्राई करने के बाद हम आलू इसमें से निकाल कर साइड पे रख देंगे और इसी ऑयल में प्याज शामिल कर लेंगे। ये देखिए, आलूओं को मुकम्मल गलाना नहीं है, बस इनका कच्चापन दूर करना है। इस तरह से लाइट लाइट से निशान आ जाए ना, ब्राउन ब्राउन से, और आलू आपको लगे कि अब 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट फ्राई हो चुके हैं, तो आप निकाल लीजिए आलूओं को। अब उसी ऑयल में हमने प्याज शामिल कर दी है और इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे, और उसके बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे, और उसे भी चंद सेकेंड भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत इजी, बहुत आसान, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। जितना आसान मेथड होता है खाने में लज्जत उतनी ही आती है। जितने ज़्यादा मसाले होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मसालों से खानों का टेस्ट भी अच्छा हो, आप जितना सिंपल तरीके से बनाएंगे खाना उतना ही टेस्टी बनता है। और वैसे भी सब्जियों को तो वैसे भी हमें सिंपल तरीके से ही बनाना चाहिए, ताकि उनकी ग़िज़ाइत बरकरार रहे और उनसे हमें फ़ायदा हासिल हो। तो जितना सिंपल आप बनाएंगे टेस्ट उतना ही ज़्यादा होगा। मैं आप सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना लाइक करते हैं और मेरे साथ हैं इस सफ़र में। मैं आप सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। चले जी, अब ये लाइट लाइट सी ब्राउन हो रही है और बाकी की कसर मिर्चों के साथ पूरी हो जाएगी, तो अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे।
हरी मिर्चों को चंद सेकेंड फ्राई करना है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। एक मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई कर लेंगे मिर्चों के साथ, प्याज के साथ, जीरे के साथ, ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। फिर हम इसमें आंच बिल्कुल स्लो करके तमाम मसाले शामिल करेंगे। जब आप आंच बिल्कुल स्लो कर लेते हैं ना, तो मसाले जलने का ख़तरा नहीं होता और वो अच्छे से ऑयल में रोस्ट हो जाते हैं और पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और पानी डालने की ज़रूरत है, तो आप 5 से 6 खाने के चम्मच पानी मसाला डालने के बाद शामिल कर सकते हैं। मैं हमेशा डायरेक्ट फिर टमाटर ही शामिल करती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप पानी शामिल कर सकते हैं मसाला शामिल करने के बाद। चलें जी, अब हम आंच बिल्कुल स्लो करके इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे। चंद सेकेंड इसे भून लेते हैं। देखिए बिल्कुल भी नहीं जलते हैं। फिर अगर आज आंच को बिल्कुल आप स्लो कर दें, फिर मसाले जलने का ख़तरा नहीं होता। देखिए चंद सेकेंड मैंने आपके सामने इसे भून लिया। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। और स्लो आंच पे ही टमाटर को इसके साथ मिक्स करूंगी। स्लो आंच पे जब हम टमाटर को मिक्स करते हैं ना, तो आहिस्ते आहिस्ते टमाटर पानी छोड़ देता है और मसाले बिल्कुल सेट हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें हसबे जायका नमक शामिल करूंगी। मिक्स कर लेंगे। अभी तक आंच स्लो है, मैंने नमक शामिल किया है। अब देखें, जब हम नमक शामिल कर लेते हैं ना टमाटर में, तो फिर वो तेज़ी से पानी छोड़ देता है और मसाले लगने का ख़तरा भी नहीं रहता। तो जब भी आप मसाले शामिल करें, आंच को धीमा, बिल्कुल धीमा करें। मैंने अब तक कोई पानी शामिल नहीं किया है, ये आपके सामने है। और मैं इसे अब 1 से 2 मिनट और इसी तरह से इसमें हल्की आंच पे फ्राई करूंगी और उसके बाद आधी प्याली पानी शामिल करके ढक के टमाटर मुकम्मल तौर से गल जाए उस वक्त तक कुक कर लूंगी। चलें जी, 1 से 1.5 मिनट मैंने और टमाटरों को मसाले के साथ फ्राई किया। अब मैं इसमें आधी प्याली पानी शामिल करूंगी और इसे ढक कर धीमी आंच पर उस वक्त तक कुक करूंगी जब तक के टमाटर मुकम्मल तौर से गल नहीं जाते। चलें जी, अब चेक करते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये बबल से बनने लग जाए ना, और इस तरह से ऑयल साइड पे आ जाए, सामने आ जाए, आपको साफ दिखने लगे कि ऑयल अलग है, तो दैट्स मीन पानी मसाले में से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जो टमाटर साबुत रह जाए, उसे स्पून की मदद से मैश कर लें और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, अब हम इसमें टिंडे शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए टिंडों को इसी मसाले में तेज आंच पर, ज़्यादा तेज आंच नहीं रखनी है, लेकिन फुल आंच नहीं रखनी है, फुल से थोड़ी सी कम आंच पे अच्छे से भून लेंगे। इससे ये होगा कि टिंडों पर मसाला भी अच्छे से लग जाएगा और ये मसाला भून जाएगा अच्छे से। तो अलग से अब मैं चाहूँ तो इसको आंच तेज़ करके मसाला अच्छे से भून लूँगी, लेकिन फिर मैं टिंडे शामिल करूँगी तो फिर टिंडों पर मसाला अच्छे से कोट नहीं होगा, टिंडे अच्छे से भुने नहीं जाएंगे। तो मैं मसाले के साथ ही टिंडों को भून लूंगी। जब आप अच्छे से मसाला इस पे कोट कर लें, तो फिर आंच
मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा रख के 1 से 1.5 मिनट इसे और भून लें और ढक कर हल्की आंच पर छोड़ लें। 5 से 7 मिनट हल्की आंच पर छोड़ दें, उस वक्त तक टिंडे अपना जो भी पानी होता है वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि टिंडे अब इस पानी में गलेंगे नहीं, तो फिर आप आधी प्याली पानी उस सूरत में शामिल कीजिएगा, मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा जी, मसाला अच्छे से कोट हो चुका है। अब मैं आंच को तेज़ करके मीडियम से थोड़ी सी हाई की है मैंने, और इसे 1 से 1.5 मिनट और फ्राई कर लूँ। यहाँ पर खाने में डालने वाला पानी भी पड़ा हुआ है और मेरी चाय भी है। मुझे इससे एक अपना वाकया याद आ गया। एक मरतबा मैं दाल बना रही थी और इसी तरह मेरी चाय और खाने में शामिल करने वाले पानी का कप सेम था, तो जल्दी में मैंने बिना देखे चाय वाला कप उठाया और दाल में शामिल कर दिया। तो इस तरह की मिस्टेक्स जब होती है इंसान से ना, तो वो कॉन्शियस होता चला जाता है, फिर उसको आगे ख्याल रहता है, तो हम मिस्टेक्स से ही सीखते हैं। तो आज भी जब एज इट इज़ वही सीन आया, तो मुझे याद रहा कि मैंने अब कौन सा कप उठा के इसमें शामिल करना है खाने में। तो ये खाने में शामिल करने वाला पानी है और ये मेरी चाय है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, यादें होती हैं, जो इंसान को याद रह जाती हैं। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ कि कहीं आप लोगों के साथ ऐसा इत्तेफाक ना हो जाए। ये देखिए, टिंडों ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छे से मसाले के साथ भुन भी चुके हैं, मसाला भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसे हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट बाद आके चेक करेंगे, अगर टिंडे गलाने के लिए पानी शामिल करने की ज़रूरत हुई तो अब हम फिर उस सूरत में पानी शामिल करेंगे। अब हम आंच को बिल्कुल स्लो करके टिंडों को ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। चलिए जी, अब चेक करते हैं। मैं कुछ टिंडों को मैश कर लेती हूँ और कुछ को मैं चंक की शक्ल में साबुत छोड़ देती हूँ। अगर आपको फुल मैश पसंद है तो आप सबको मैश कर लीजिए, अगर आपको फुल चंक्स पसंद है तो आप बिल्कुल भी मैश मत कीजिए। तो मैं इस तरह से मैश करती हूँ, हमारे घर में इसी तरह से पसंद किए जाते हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक रखिए। ठीक है, कुछ मैं साबुत छोड़ दूंगी। अब मैं इसमें आलू शामिल कर लूँगी। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है और हमें मज़ीद पानी अब डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आलूओं को गलाने के लिए हमें पानी डालने की ज़रूरत हुई तो हम ज़रूर शामिल करेंगे। तो फिलहाल अब हम इस मसाले में और टिंडों में आलू शामिल करते हैं और साथ ही कटा हुआ थोड़ा सा धनिया शामिल कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आलू टिंडों और मसालों के साथ मिक्स हो जाए तो अब हम आंच को थोड़ा सा मीडियम करके इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि आलूओं पे मसाला अच्छे से लग जाए। अब मैं इसमें 1/4 कप पानी शामिल करूंगी, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं है ना, तो हमें आलूओं को गलाना है। हमने आलूओं को सिर्फ फ्राई किया था, तो आलू को गलाने के लिए मैं 1/4 कप पानी शामिल कर लूंगी।
लेकिन गर्म पानी शामिल करना है, ठीक है। आंच को धीमा कर लेंगे और ढक कर इसे 10 से 12 मिनट के लिए कुक होने देंगे ताकि आलू गल जाए। आलू छोटे साइज के हैं, गल तो जल्दी जाएंगे, लेकिन पानी जो है धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट लेगा खुश्क होने में, ठीक है। अब हम इसे ढककर धीमी आंच पर कुक होने देंगे। आलू गल चुके हैं, अब हम आंच थोड़ी सी तेज करके ये जो बाकी मांदा थोड़ा बहुत पानी है इसे हम खुश्क कर लेंगे। इससे ये होगा कि जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, भुन जाएगा, तो इसका टेस्ट और दुबाला हो जाएगा। तो चलिए इसे 3 से 4 मिनट के लिए तेज आंच पे हम भून लेते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं है पसंद कि ज़्यादा भुना हुआ हो, तो बस आलू जब सॉफ्ट हो जाए तो आप फ्लेम ऑफ कर दें, आपकी सब्जी रेडी है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसे भून लूँगी ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी थोड़ा बहुत रहे क्या है वो खुश्क हो जाए। वैसे तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये अच्छे से भून जाएगा। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ और प्लेन राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है टिंडा 56 या छपनी टिंडा, जो कि सर्दियों के सीज़न में पाकिस्तान में अवेलेबल होता है। अब मुझे नहीं पता कि ये दीगर ममालिक में अवेलेबल होता है नहीं होता, लेकिन इसी मेथड से आप हर टिंडे को बना सकते हैं जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो। चलें जी, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी सब्जी रेडी है, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं है इसमें। चलें जी, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और डिश आउट करते हैं सब्जी को। ये देखिए कितनी जबरदस्त सी टिंडे आलू की, टिंडा 56 आलू की सब्जी रेडी है। इसे गार्निश करेंगे हम धनिया से, कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करना चाहें तो शामिल कर दें अगर आपको पसंद है। मैंने क्योंकि अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें इसमें शामिल की हैं तो मैं मज़ीद शामिल नहीं करूँगी। धनिया से गार्निश करें और देखें कितनी ज़बरदस्त सी डिश रेडी है। खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, खूब इंजॉय करें, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, हर तरह की परेशानी मुसीबतों से दूर रहें। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।